हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हुरर अली के व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं हाजी अली की दरगाह। तो हमने पकड़ी है बैंड्रा से ट्रेन महालक्ष्मी के लिए और आज हम हुरैन को साथ में लेके जा रहे हैं। पहली बार हुरैन ट्रेन में बैठी है आज, और अभी कुछ ही दिनों में हुरैन 6 महीने की भी हो जाएगी। देखिए कैसे अपने डैडी को देख रही है ये। तो फिर हम पहुंच गए महालक्ष्मी, हमने वहां से ली टैक्सी। टैक्सी ने हमें दरगाह के बाहर छोड़ा। यहां से चल के जाने का रास्ता है, रास्ते में पड़ती है मार्केट, छोटी सी मार्केट है लेकिन बहुत खूबसूरत है। बच्चों के फुटवेयर और स्टॉल, खिलौने, बहुत सारा सामान मिलता है। और यहाँ पे ब्रिज का काम भी स्टार्ट है, तो ऐसे टनल जैसे बना हुआ है। इससे पहले नहीं था ये, अभी अभी ये बना हुआ है। माशाल्लाह से देखिए हम पहुंच गए दरगाह। दरगाह बस अभी थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ा सा चलना बाकी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे आज संडे का दिन नहीं है, आज मंडे का दिन है, फिर भी इतनी भीड़ है। मुझे लगता है रोज़ाना ही इतनी भीड़ होती है, मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आज ज़्यादा भीड़ है। आज हम बहुत टाइम बाद आए ना, इसीलिए ऐसा लगता है। और देखो हुरैन, हुरैन के अब्बा मेरे को छोड़ के आगे चले, मैं पीछे पीछे लौट के जा रही हूँ। तो माशाल्लाह से हम पहुंच गए हैं हज़रत की बारगाह में, तो दिल से सलाम कर दीजिएगा। बस यहाँ पे इससे पहले भी जब मैं आई थी ना, यहाँ पे काम चालू ही था और अभी भी ना ये काम चालू ही है। मैं इससे पहले 2 साल पहले आई थी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी दरगाह और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगी। और बाजू में हो रही थी कबाली, और अभी इतनी भीड़ में हुरैन, हुरैन के बाबा वहाँ लास्ट में है और मैं यहाँ हूँ। यहाँ से अभी मैं जाऊँगी। लोग ये अमरी मारी, अल्लाह रो रही हो, अमरी मारी क्यों रो रही हो? हुरैन फातिमा अल्लाह अली रो रही है, लाओ दे तुम्हें। हुरैन फातिमा तो चुप हो गई, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम कोई साफ जगह देख के बैठ जाए ताकि कुछ खा सके। यहाँ पे भी देख लो कितनी गर्दी है। ये पीछे समंदर के पास तो और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग समंदर के पास गए नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो फिर छोटी बच्ची लेके कैसे जाएगी, इसलिए हम लोग समंदर के पास गए थे। लेकिन आप यहीं से देख लो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं चाहने वाले यहाँ बम्बई में। और यहाँ बम्बई के लोग ही नहीं, यहाँ पे बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद, वहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। और ये मेरी हुरैन अभी खामोश हो गई क्योंकि इसे डैडी ने उसे फ्रूटी पिला दिया। फ्रूटी इसे पीनी आती नहीं है, फिर भी उसे डैडी ने कैसे भी उसको पिला दिया और ये खुश हो गई है। अब ये रो नहीं रही है, अपनी मम्मी के साथ घूम रही है और नज़ारे कर रही है लोगों के। ये टकली इधर देख, डैडी मेरे सर में बहुत सारे बाल में टकली नहीं बोल दे, और ये देखो ऊपर का नज़ारा। मैं ऊपर जैसे बैठने का है वो बताती हूँ, कितना खूबसूरत है यहाँ पे बैठने का। संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, इतना खूबसूरत मौसम था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था यहाँ पे। ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडी का मौसम तो चालू ही है, वैसे बहुत ठंडा मौसम भी लग रहा। और ये देखो मैं वीडियो बना रही थी हुरैन, हुरैन के अब पता नहीं कहाँ चले गए, ज़बरदस्ती मुझे ढूंढने लगा रही ये लोग। और मैं नीचे आ गई और ये लोग ऊपर ही बैठे हुए थे, बताओ। और सो भी गई हुरैन, हुरैन साथ वीडियो भी नहीं बनाने दिया हुरैन के डैडी ने, हुरैन को भी सुला दिया उन्होंने। और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, कुछ बजे हैं 7। दरवाजे के पास खड़ के हमें फ़ोटो खिंचाना था लेकिन हुरैन तो सो गई, बस इसलिए हमने वीडियो बना लिया। और अब हम निकल रहे तो यहाँ से जाते हुए देखिए कितना अंधेरा हो गया है। मुझे लगा 7 ही बज रहे लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और आगे जो टनल का रास्ता है वहाँ पे लगी थी मार्केट, बच्चों के खिलौने और टॉयज़, कैब, बहुत सारा सामान लगा हुआ था। एक छोटी सी मिनी मार्केट जैसा था वहाँ पे। आने के टाइम तो नहीं था, जाने के टाइम पे लगा था, लगता वो 5 बजे के बाद स्टार्ट होता है मार्केट, तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी लेने के लिए, लेकिन हमें टाइम हो रहा था इसलिए हम रुके नहीं। बस मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया वीडियो, और इसी के साथ हमारा वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब।